बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। विश्लेषकों की माने तो ममता बनर्जी को तेज तर्रार छवि, बंगाली अस्मिता, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का टीएमसी की ओर बड़ा झुकाव का सीधा फायदा तृणमूल को मिला। दरअसल तृणमूल ने भाजपा के हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की काट करने के लिए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा देकर महिला वोटरों को बड़े पैमाने पर अपने पाले में खींचा। ममता ने 50 महिला उम्मीदवारों को इसी रणनीति के तहत इस बार मैदान में भी उतारा था। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले भाजपा नेताओं के ममता बनर्जी पर सीधे हमले के मुद्दे को भुनाते हुए टीएमसी ने स्थानीय बनाम बाहरी का दांव खेलकर बांग्ला संस्कृति, बांग्ला भाषा और बंगाली अस्मिता के फैक्टर को हर जगह उभारा। पूरे चुनावी अभियान में बंगाल की बेटी और बाहरी का मुद्दा तृणमूल ने जोर शोर से उठाया और यह दांव उसकी जीत में काफी काम आया। ममता लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कहती दिखी कि वह गुजरात के लोगों को बंगाल पर शासन नहीं करने देंगी। उनका इशारा मोदी व शाह पर था। साथ ही दूसरे राज्यों से यहां भाजपा के प्रचार के लिए आए नेताओं को वह लगातार बाहरी गुंडा कहकर संबोधित करती रही। इसके जरिए उन्होंने जमकर बंगाली कार्ड खेला। इसे खासकर महिलाओं के साथ बंगाली जनमानस का भरोसा जीतने में ममता कामयाब रही। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।